हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, आज मैं आपके लिए फोबिया की 4 वर्ड लिस्ट लेके आया हूँ। और इससे पहले मैं 3 फोबिया की वर्ड लिस्ट अपलोड कर चुका हूँ, और मैं कल आपके लिए सिनोनिम्स 8 की वर्ड लिस्ट भी लेके आया था, और 9 में कल आपके लिए अपलोड कर दूंगा। तो मेरे चैनल के साथ आप हमेशा बने रहिए, ताकि आपको डे टू डे अपडेट मिलती रहे इस चीज़ की कि कौन सी वर्ड लिस्ट कब अपलोड होने वाली है। वैसे तो मैं रेगुलर ही अपलोड कर रहा हूँ सब कुछ, तो इसलिए आपको जितनी जल्दी हो सकता है 1-2 महीने के अंदर सारा का सारा मटेरियल मिल जाएगा। तो इसके अंदर आपने मेरा सबटाइटल देखा ही होगा कि जैसा मैंने इसमें लिख रखा है। आओ देखें ज़रा कि कौन कौन से फोबिया अंदर हैं। आइए देखते हैं पहला वर्ड क्या है हमारा। पहला वर्ड है हमारा मोशन, और मोशन के फोबिया को हम कहते हैं कि काइंसोफोबिया। तो काइंसोफोबिया को हम कैसे याद रखेंगे, काइंसो के अंदर अगर आप देखेंगे इसके अंदर NESO बन रहा है, और हम जब बोलते हैं नशो, जो आपको इसके अंदर ये इमेजिन करना, जो लोग हैं वो नशों में हैं, मतलब लोग जो बहुत सारे हैं वो सब नशों में हैं, तो NESO को नशो, NESO नशो। तो जब लोग नशे में होते हैं तो क्या होता है, नशों में होते हैं या फिर नशे में होते हैं तो क्या होता है, तो उनकी जो चाल होती है वो बहुत ज़्यादा उनका जो बदल जाती है, मतलब जो उनका मोशन होता है। मोशन क्या होता है, मोशन होता है हमारा कि हम किस तरीके से चलते वलते हैं, उन सबको चाल ढाल को हम मोशन में कहते हैं, किस मोशन में चलते हैं कैसे, तो उन सबको हम मोशन से रिलेट करते हैं। तो मोशन उनका कैसा हो जाता है, जो नशा कर लेता है आदमी, जो नशों में होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अलग हो जाता है नॉर्मल पर्सन से। तो इसीलिए आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, आपको याद हो जाएगा, 2-3 बार आपको ये जरूर देखना पड़ेगा, बट आपको ये परमानेंटली याद हो जाएगा। अब अगला वर्ड है हमारा स्पीकिंग, और स्पीकिंग का जब हमें फोबिया हो जाता है तो हम उसको कहते हैं लालोफोबिया। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको याद रखना बहुत आसान है। इसके अंदर जो लालो है, लालो को आप लालू से याद रखेंगे, तो जो लालू है, जब लालू यादव बोलते हैं, जो हमारे पॉलिटिशियन हैं, जब वो बोलते हैं तो फिर वो कैसे बोलते हैं, उनकी एक अलग ही जॉनर है उनका बोलने का। तो ये हमें बहुत मतलब अच्छे से याद होने वाला है कि स्पीकिंग के अंदर कौन, जो लालू यादव है हमारे, वो कैसे बोलते हैं, बहुत अलग तरीके से बोलते हैं, बिहारी में जो भी वो लैंग्वेज यूज़ करते हैं बहुत फनी होती है। तो लालो को आप लालू से याद रख सकते हैं। अब फ्रेंड, अगला हमारे सामने आता है वर्ड्स। जब हमें वर्ड्स का फोबिया होता है तो हम उसको कहते हैं लोगोफोबिया। तो लोगोफोबिया को आप कैसे रखेंगे याद, अब लोगों के अंदर आप देखेंगे कि इसके अंदर आ रहा है लोग, और जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं। लोग होते कौन है, पर्सन ही तो होते हैं, आदमी होते हैं, आप मैं या फिर कोई और। तो जितने भी लोग हैं वो क्या करते हैं, बोलते हैं, वर्ड्स। लोगो, लोग बोलते हैं, वर्ड्स। लोग क्या बोलते हैं, वर्ड्स बोलते हैं। कोई भी हम वहाँ पर अपनी बात पहुँचानी होती है तो हम वर्ड्स में ही उसको डिलीवर करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला हमारा वर्ड आता है पॉइजन। जब हमें पॉइजन का फोबिया होता है तो इसको हम कहते हैं लो फोबिया। तो आपको सीधा ये ऐसे याद करना है, इसके अंदर कुछ ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आपको ये याद रखना है पॉइजन लो, मतलब पॉइजन को लो और जिंदगी की टेंशन से मुक्ति पाओ, मर जाओ। तो पॉइजन लो, पॉइजन लो, ये लो आपको पॉइजन में याद हो जाएगा कि जब भी आपको पॉइजन बोलना होगा तो पॉइजन लो, पॉइजन लो फोबिया। बस बहुत आसान है, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा एक बार मेरे समझाते ही। अब अगला वर्ड इसके सामने हमारे पास है डार्कनेस। जब हमें डार्कनेस का फोबिया होता है तो उसको हम कहते हैं लाइगोफोबिया। तो अब लाइगो को कैसे याद रखें, ये भी एक दिक्कत हमारे सामने आ रही है। तो लाइगो को हम कैसे याद रखेंगे, लाइट से, लाइट गो, लाइगो लाइट गो। ये थोड़ा सा वैसे प्रोनाउंस करते हैं जैसे कि लाइगो, हम ऐसा लग रहा है कि हम शॉर्ट में बोल रहे हैं लाइगो, मतलब हम बोलने क्या चाहते हैं, लाइट गो। और जब लाइट चली जाती है तो क्या होता है, अंधेरा। तो लाइट गो, जब लाइट गई, लाइट गो, लाइट गई, तो हमारे पास क्या हो गया, अंधेरा, हमें कुछ नहीं दिख रहा, डार्कनेस। तो बिल्कुल डायरेक्ट लिंक है, बहुत आसान से याद हो जाएगा आपको मिनोमिक्स के थ्रू। अब देखिए अगला वर्ड हमारे सामने आता है बीज। जब हमें बीज का फोबिया होता है तो उसको कहते हैं हम मेलिसोफोबिया। तो अब इसके अंदर हम मेलिसो को कैसे याद रखें कि बीज का मतलब मेलिसो होता है, तो इसको आप ऐसे याद रखना है कि इसके अंदर आप स्टार्टिंग में देखेंगे MELI। इसके अंदर आपको क्या याद रखना है कि जो आपकी बीज हैं वो मैली हो गई हैं, और मैली को क्या कहते हैं, गंदा। मतलब आप ऐसे इमेजिन करिए, आपकी बीज थी या फिर आपने बीज पाली हुई थी या फिर ऐसे जो बीज घूम रही थी वो क्या हो गई हैं, मैली। तो बीज मैली हो गई हैं, गंदी हो गई हैं, तो आप उनको क्या कर रहे हो, धो रहे हो। तो बीज मैली, बीज हो गई है हमारी गंदी, मैली, बीज मैली। तो अगला वर्ड हमारे सामने है माइस, और जब हमें माइस का फोबिया होता है तो उसको कहते हैं मूसोफोबिया। और जैसे कि आपको दिख ही रहा है कि मूसो को हम क्या कहते हैं, मूसो को हम मूसा भी कहते हैं। जैसे आपने घर में नॉर्मली देखा होगा,
मूसों को जनरली जो छोटे बच्चे होते हैं या फिर जो लोग होते हैं मूसा कहते हैं कि मूसा आ गया मूसा आ गया मूसा आ गया, तो इसको हम मूसे से भी कहते हैं। तो मूसो माइस, मूसो या मूसा एक ही बात है। तो ये सेम टू सेम है, आपको एक बार देखते ही अपने आप याद आ जाएगा पेपर के अंदर, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की इसमें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक बार ये जो मैंने बताया है ये सुनने की ज़रूरत है। अब फ्रेंड्स आगे देखिए, हमारे पास है फिल्थ, और फिल्थ मतलब अगर आपको नहीं पता तो फिल्थ मतलब होता है गंदगी, और उस गंदगी का जो फोबिया होता है हमें उसको कहते हैं हम माइसोफोबिया। तो जो माइसोफोबिया होता है इसको अब कैसे याद रखेंगे हम, देखो जो माइसो होता है ये वैसे भी एक रूट वर्ड होता है, और माइसो का मतलब भी होता है गंदा नेगेटिव, अगर आप इसका मतलब जानने बैठेंगे माइसो का, ये हमारा एक तरीके से रूट वर्ड्स के अंदर आते हैं, रूट वर्ड्स आपने पढ़े होंगे, तो रूट वर्ड से बहुत लोग याद करवाते हैं, बट मैंने कोई वर्ड रूट से याद नहीं किया, बिकॉज मैं उसके सब में मिनोमिक्स ही लगाता हूँ, इसलिए मेरे को ज़रा ज़्यादा ज़रूरत कोई रूट की पड़ी नहीं थी, और आपको मैं आशा करता हूँ कि आपको भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको मिनोमिक्स से बहुत अच्छी याद करवा दूंगा वोकेबलरी। तो इसके अंदर जो देखिए आप माइसो आ रहा है, तो माइसो के अंदर हमारे पास देखिए इसका मतलब ही, वैसे माइसो का मतलब होता है फिल्थ, जैसे मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया, तो फिल्थ का मतलब माइसो आपको ऐसे ही याद आ जाएगा कि माइसो का मतलब होता है गंदा। अब फ्रेंड्स आगे देखिए, हमारे पास जो वर्ड लिस्ट के अंदर पहला वर्ड आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास डेथ बॉडीज, और या फिर आप इसको कहते हैं कॉर्प्स, कॉर्प्स भी उसको ही कहते हैं, शव शव को जब आदमी मर जाता है, और डेड बॉडीज, डेथ बॉडीज का तो आपको पता ही है कि मरी हुई बॉडीज आदमियों की, तो इसको हम कहते हैं नेक्रोफोबिया। तो नेक्रोफोबिया को आप कैसे याद रखेंगे कि ये डेथ बॉडीज और कॉर्प्स के लिए यूज़ होता है इस फोबिया को, तो इसके अंदर आप नेक्रो को अगर याद रख सकते हैं तो नेक से याद रख सकते हैं कि आपकी नेक जो थी, नेक मतलब होता है गर्दन, जो आपकी नेक थी वो टूट गई, और आपकी, और जब भी किसी की नेक टूट जाए या फिर कुछ हो जाए तो आदमी सीधा मर जाता है, नेक टूटने से कुछ नहीं बचता उसके अंदर, क्योंकि बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है हमारा, तो नेक टूटते ही आपका क्या हो गई, डेथ हो गई। तो डेथ बॉडीज या फिर कॉप्स उसका मतलब होता है नेक्रो, नेक्रोफोबिया। ओके अब अगला वर्ड हमारे सामने देखिए फ्रेंड्स आता है इलनेस, और इलनेस के अंदर यहाँ पे मैंने डिजीज भी डाला हुआ है, डिजीज मतलब भी सेम है, इलनेस मतलब भी सेम है, बीमारी होता है दोनों का मतलब। तो इसका जो है हमारे पास इसका फोबिया वो है नोसोफोबिया। तो नोसोफोबिया को आप कैसे याद रखेंगे कि वो इलनेस और डिसीज़ का फोबिया होता है, तो इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर नोज आ रहा है, NOSI, और जैसे कि छोटे बच्चे को कहते हैं जब वो बीमार हो जाता है तो उसकी नोज़ी बहुत आती है, पल पल उसकी नोज़ी आती है, तो आप इसको ऐसे याद रखना है कि जब भी आप बीमार या फिर इलनेस, बुखार उखार आपके चढ़ता है तो आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है और आपकी नोज़ी आ रही है, तो नोज़ी से नोज़ोफोबिया, क्योंकि जो नोज़ी होती है हमारी वो जब हम तबीयत ख़राब होती है तभी आती है वैसे, या फिर कोल्ड वोल्ड हो वो भी एक तबीयत ख़राब करना ही माना जाता है, तो इसीलिए आपकी जब भी इलनेस या फिर डिजीज़ हो रही है तो आपको नोज़ी आ रही है, नोज़ी से नोज़ोफोबिया आपको याद होना है यहाँ पे। अब देखिए फ्रेंड्स अगला वर्ड हमारे पास है नाइट, नाइट के फोबिया को हम कहते हैं नाइक्टोफोबिया। अब देखिए फ्रेंड्स इसके अंदर तो डायरेक्ट ही मतलब निकल के आ रहा है नाइट और नाइक्ट, तो मतलब सेम ही प्रोनाउंसिएशन है, बस स्पेलिंग का फ़र्क है, तो इसमें तो कुछ याद करवाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नाइट का नाइक्ट ही बन ही रहा है, NYCT, नाइट, नाइक्टोफोबिया, तो नाइट फोबिया हो ही गया, आसान है बहुत। अब अगला देखिए वर्ड्स, अगला हमारे पास है मॉब्स, जब हमें मॉब्स का डर होता है तो उसको कहते हैं ओचलोफोबिया। मॉब्स होते हैं मतलब भीड़, एक भड़काऊ भीड़ जिसका कुछ नहीं पता वो क्या कर दे, तो उसको हम कहते हैं ओचलोफोबिया। तो ओचलोफोबिया को कैसे याद रखेंगे, तो आपको ये ऐसे याद रखना है कि जो मॉब्स के अंदर होते हैं लोग कैसे होते हैं, ओछे लोग होते हैं, ओछे का मतलब आपको पता होगा हिंदी के अंदर जो यूज़ करते हैं जनरली सब, तो ओछे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा गलत लोग होते हैं, जो कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं हरदम, तो ओछलो से आपको ओछे याद रखना है, ओछलो से क्या याद रखना है आपको, ओछे, ओछे लोग हैं, तो मॉब्स के अंदर क्या होते हैं, ओछे लोग होते हैं, जो कि है हमारा ओचलो, ओचलोफोबिया। ओके फ्रेंड्स अब देखिए लास्ट वर्ड इसमें हम आ चुके हैं, ये हमारा आई थिंक 12 या फिर 13 वर्ड होगा, तो ये आपको ऐसे ही थोड़े थोड़े वर्ड 10 12 10 12 करके ऐसे आपको मैं पार्ट्स दे रहा हूँ ऐसे याद रखने हैं, क्योंकि आप अगर मैं आपको इकट्ठे इतने सारे करवा दूंगा तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, बिकॉज ये बहुत लिमिटेड है, तो इसीलिए आपको ये अगर 5 6 दिन भी ले लेते हैं रिवीजन करने के, एक एक दिन में 12 13 वर्ड्स, तो 5 6 दिन भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बिकॉज सिनोनिम्स तो बहुत बड़ी वर्ड लिस्ट हो जाती है, बट इसके अंदर इतनी कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर आप आराम से इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा वर्ड्स नहीं है, बस कॉमन कॉमन है वही है, हार्डली 2 वीडियोज़ और आएंगी इसकी,
उसके बाद ही खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं आपकी स्टडी और लॉजी शुरू कर दूँगा, वो भी एक दो वीडियोस में ख़त्म हो जाएगा, वो भी ज़्यादा नहीं है। तो यही है कि आप मेरे साथ ये बने रहिए और करते रहिए, और देखिए आप फ़र्क देखना, अपना स्कोर देखना और अपना पढ़ाई में देखना कि आपकी कितनी इंप्रूवमेंट आती है इंग्लिश सेक्शन के अंदर, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पेपर जो है हमारा इंग्लिश से ही आता है, इंग्लिश से ही हमारे नंबर बढ़ते हैं, उसी से हमारा स्कोर बढ़ता है, क्योंकि मैथ सबकी अच्छी होती है और जो रीजनिंग है वो तो सब कर ही लेते हैं, फिर आता है खेल जीके का, तो जीके के अंदर हम बाद में कभी देखेंगे, लाना होगा तो लाएंगे। बाकी आप मेरे साथ इंग्लिश में ज़रूर बने रहिए। अब देखिए फ्रेंड, लास्ट जो वर्ड है हमारा रेन, रेन का मतलब क्या होता है, जब हमें रेन का फोबिया होता है बारिश का, तो उसको कहते हैं हम ओम्ब्रोफोबिया, OMBRO। तो ओम्ब्रोफोबिया को हम कैसे याद रखें कि हम इसको, कि ये रेन का फोबिया, तो ओम्ब्रो से आप अम्ब्रेला याद रखिए, ओम्ब्रो और अम्ब्रेला सेम से ही साउंड कर रहे हैं, बेशक स्पेलिंग अलग है, ओम्ब्रो अम्ब्रेला, ओम्ब्रो अम्ब्रेल अम्ब्रे अम्ब्रेला, एक ही बात है। तो जब अम्ब्रेला हम कब यूज़ करते हैं, जब बारिश होती है, तो जब बारिश होती है तो हम अम्ब्रेला यूज़ करते हैं, तो फिर वही हो गया इसका मतलब कि रेन, ओम्ब्रो मतलब अम्ब्रेला, अम्ब्रेला या फिर ओम्ब्रोफोबिया। तो ये आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा, इसमें आपको मेरे को नहीं लगता कोई दिक्कत होगी, क्योंकि बहुत आसान है और डायरेक्ट इसका लिंक बन रहा है यहाँ पे, प्रोनंसिएशन भी सेम सी है, थोड़ी बस स्पेलिंग का ही थोड़ा फ़र्क है इधर उधर, और आपको ये करना ही पड़ेगा अगर आपको याद करना है तो। जैसा कि आपने देखा फ्रेंड्स, मैंने आपको अभी फोबिया 4 की वर्ड लिस्ट करवाई और इसके अंदर 12 से 13 वर्ड थे, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारे वर्ड समझ में आ गए होंगे। आपको इस वीडियो को कम से कम दो बार तो देखना ही है, एक या फिर दो बार, अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए याद रखना चाहते हैं तो एक या फिर दो बार इसको ज़रूर देखिए, आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस, हिट द बेल आइकन। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।